नमस्कार। कक्षा अष्टम के लिए क्या निराश हुआ जाए, निबंध पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ, और आज उसकी तीसरी अतिथि है। मैं पहले आदर्श वाचन करूंगा, उसके बाद काठिन्य निवारण और व्याख्या का कार्य होगा। लेकिन आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो जब भी ऑन करें तो आदर्श वाचन को पहले अच्छे ढंग से सुनिए, जिससे आपके श्रवण कौशल का विकास होगा। और जब कोई चीज हम बहुत अच्छे ढंग से सुन लेते हैं तो उसकी लर्निंग यानी अधिगम 80% हमें खुद ही हो जाती है, हिंदी जैसे विषय। और इसके साथ ही दूसरे कौशलों का भी विकास होता है, क्योंकि हिंदी सिर्फ एक विषय नहीं है अपितु जीवन जीने की एक कला है, कौशल विकास का केंद्र है, सहारे की थपकी है, करुणा का करुण अकिंचन अश्व है। तो क्यों ना हम अपने रीते पड़े हृदय को हिंदी के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो प्रस्तुत है आदर्श वाचन। आज का जो अतिथि कार्य है यह पृष्ठ 36 में पहला अनुच्छेद ही है, दोषों का पर्दाफाश, और इसके बाद पृष्ठ 38 भेद दिया है यहां पर। तो मैं पहले आदर्श वाचन कर रहा हूं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने में लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी को का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए। बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया, कैसे कहूं दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे, बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है।
बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहां डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित मैं ही अकेला था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। हम लोग बस का उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहां भेज दिया है। ये आदर्श वाचन और आज का जो मुख्य विषय, मुख्य आधारित पढ़ाना होगा, जिस बेस पर, जिस आधार पर पढ़ाएंगे, वो क्रिया विशेषण होगा। लेकिन उससे पहले विशेषण और विशेष्य के भी कुछ शब्द इसमें हैं, उनको भी मैं यहाँ पर लिख देना उचित समझता हूँ। तो जहाँ जहाँ जरूरत होगी मैं उन्हें लिखूँगा। और क्रिया विशेषण की परिभाषा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए, हमें क्रिया की परिभाषा भी आती है और क्रिया विशेषण की भी, लेकिन यदि पूछा जाए तो बता नहीं पाएंगे। अगर पूछ लिया कि क्रिया क्या है, तो बहुत से बच्चे क्या कहेंगे कि गुरुजी वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं। यानी आता तो खुद नहीं लेकिन बताने के काबिल नहीं, और बगले झांकने लगते हैं। तो अच्छा हो, ध्यान से सुनिए, और निश्चित रूप से ध्यान से यदि सुनेंगे तो हंसी हंसी में ये बातें आपको पता चल जाएंगी। देखिए, क्रिया शब्द वो होता है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, किसी भी वाक्य में। तो अभी जब कोई वाक्य आएगा मैं तुरंत लिखूंगा और आपको क्रिया और क्रिया विशेषण दोनों बताऊंगा, उसका भेद भी बताऊंगा। क्रिया विशेषण के भेद वैसे 4 हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। और इनको जानने के लिए कैसे, कब, कहां, कितना, कितनी प्रश्न किया जाता है। यदि कैसे प्रश्न से उत्तर आता है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कब प्रश्न से उत्तर आता है कालवाचक क्रिया विशेषण, कहां प्रश्न से उत्तर आता है स्थानवाचक, और कितना या कितनी प्रश्न करने से यदि उत्तर मिलता है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए व्याख्या में कर रहा हूं, दोषों का पर्दाफाश करना। अब ये देखिए, पर्दाफाश शब्द जो है ये उर्दू भाषा का है, पर्दा फाश का शाब्दिक अर्थ होगा पर्दा हटाना, लेकिन शाब्दिक अर्थ से हर जगह अभीष्ट अर्थ की प्रतीति नहीं होती। तो यहां पर जैसे पर्दा फाश करना मतलब खुलासा करना है, तो इसको उर्दू का ही शब्द है खुलासा करना भी, लेकिन हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से ये चल रहा है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, ये सही है, बुरी बात नहीं है। तो बात शब्द जो है वो संज्ञा है, बात और बुरी विशेषण है, बुरा।
दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं, सत्य है भाई। बुराई को प्रकट करना ये बुरा थोड़ी है। लेकिन आगे देखिए क्या कहना चाहता है लेखक। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। किसी के आचरण को, किसी के स्वभाव को, किसी की स्वभावगत कमियां, गलत पक्ष मतलब स्वभावगत कमियों को उद्घाटित करके, बार बार उसको प्रकट करके, बार बार लोगों को सामने ला करके रस लेना यानी आनंद लेना बुरी बात है। ये तो निश्चित है कि बुराई का प्रकटीकरण बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि बार बार उसी चीज को लाया जाए और उसमें आनंद लिया जाए तो यह बुरी बात है। तो मान लो कोई आदमी है जो चोरी करते पकड़ा गया, अब वो जेल चला गया, सजा भी भुगत कर आ गया, अब उसके बाद उसको जब देखो अरे ये तो चोरी करता कर रहा था, पकड़ा गया था, जेल गया, हरदम उसी बात को प्रकट करना, सभी के सामने लाना, उसको जलील करना और खुद उस बातों में रस लेना, आनंद लेना, यह बुरी बात है। दोषोद्घाटन ये सामासिक शब्द है। दोषोद्घाटन मतलब दोषों का उद्घाटन। आज चुकी क्रिया विशेषण को केंद्र में रखा है इसलिए बहुत सी चीजें मैं वैसे बता रहा हूं आपको। दोषोद्घाटन दोषों का उद्घाटन यानी प्रकटीकरण, यानी बुरी बातों का प्रकटीकरण, ये तत्पुरुष समास है इसमें। दोषोद्घाटन में एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। जब यह मान लिया गया कि मेरा एकमेव कर्तव्य है कि दूसरों की कमियों, दूसरों की बुराइयों को प्रकट करूं, तो बुरी बात हो जाती है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर के उजागर ना करना और बुरी बात है। देखो बुराई में रस लेना, बुराई मतलब किसी की कमियों को, किसी के स्वभावगत कमियों को, किसी के व्यवहार पक्ष की कमियों को इंगित कर दिया कभी कभार, छोड़ देना चाहिए उसको। लेकिन उसमें रस लेना, आनंद लेना, यह बुरी बात है। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि किसी की अच्छाई में रस ना लिया जाए। अच्छाई में तो रस लेना चाहिए, लेकिन यदि अच्छाई में रस नहीं लिया जा रहा है तो यह और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं। देखिए घटना शब्द संज्ञा है, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने में लोक चित्त, लोक मतलब जनता, चित्त मतलब चित्त, जनता के चित्त में तत्पुरुष समास है, अच्छाई के प्रति अच्छी भावना बनती है। यानी हम अच्छी बातों का यदि जिक्र करेंगे लोगों से तो लोगों के मन में अच्छाई की भावना पैदा होती है। जैसे पन्ना धाय वाली कहानी है, और यदि इसका बार बार उदाहरण दिया जाए कि एक माँ ने इस प्रकार से अपने राजा के बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे का बलिदान कर दिया, दुश्मन के सामने अपने बच्चे को रख दिया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आज वर्तमान समय में घटित होती हैं। तो इन घटनाओं के प्रकटीकरण से लोक चित्त यानी लोगों के हृदय में अच्छी भावना स्थान बनाती है। एक बार स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया। अब देखिए रुपया कितना, 100। गलती से लेखक ने 10 रुपया देना था, 100 रुपया दे दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। अब देखिए यहां क्रिया विशेषण प्रश्न वाक्य है, जल्दी जल्दी
गाड़ी में आकर बैठ गया। अब बैठना प्रतिक्रिया हुई इसमें। हमने प्रश्न किया, प्रश्न कैसे बैठ गया, उत्तर मिला जल्दी जल्दी। तो कैसे प्रश्न करने पर हमें जो उत्तर मिलेगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, इसलिए जल्दी जल्दी कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। तो देखिए क्रिया से हमने क्या प्रश्न किया, कैसे प्रश्न किया। आगे देखिए, थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। देखिए अगला वाक्य है, थोड़ी देर में टिकट बाबू थोड़ी देर में थोड़ी देर में टिकट बाबू लोगों का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। अब प्रश्न यहां होना क्रिया है, मुख्य क्रिया। हमने प्रश्न किया कैसे उपस्थित हुआ, उत्तर मिला थोड़ी देर में, नहीं कब उपस्थित हुआ, कैसे नहीं, कब उपस्थित हुआ, उत्तर मिला थोड़ी देर में। तो ये थोड़ी देर जो हुआ कब से आया है इसका उत्तर तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला। देखिए विनम्रता, विनम्र मूल शब्द है, ता प्रत्यय, बड़ी विनम्रता से उसने क्या किया, 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं। उसके चेहरे पर विचित्र, भी उपसर्ग है, चित्र मूल शब्द, विचित्र, विचित्र का मतलब अजीबोगरीब, संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। चकित रहना, आश्चर्यचकित होना मुहावरा है। कैसे कहूं दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लेखक कहा कैसे कह सकता हूं मैं कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई यानी गायब हो गई। वैसे तो अनेक अवांछित, उपसर्ग वांछना मूल शब्द, इत प्रत्यय, अवांछित मतलब अनचाही, अनचाही घटनाएं घटित हुई हैं, परंतु यह एक घटना जो टिकट बाबू के द्वारा की गई सैकड़ों अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो हमें ऐसी घटनाओं का भी जिक्र करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। दूसरी बात लेखक फिर कह रहा है, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। देखो बच्चे 3, ये भी विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। तो मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे, बस में कुछ खराबी थी,
बस रुक रुक कर चलती थी। देखो आगे आप खुद इसमें प्रश्न करके उत्तर लिखना, मैं खाली वहां के लिख रहा हूं, बस रुक रुक कर चलती थी। चलती थी, बहुत लोग समझ गए होंगे इसमें क्रिया कहां है, तो क्रिया यह है चलती थी। इस क्रिया से इनमें से कोई भी प्रश्न करना है, और जिस प्रश्न से उत्तर मिल गया इसका मतलब वही उत्तर, जो उत्तर है वह क्रिया विशेषण है, और वह क्रिया विशेषण होगा जिससे उत्तर मिला। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन, निर मतलब निर उपसर्ग है, नहीं जन मतलब लोग, जहां लोग ना हो, सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। तो बस ने सुनसान स्थान में जवाब दे दिया, वाक्य लिख रहा हूं मैं, बस ने सुनसान स्थान में जवाब दे दिया। अब इसमें कौन सा प्रश्न करोगे, कैसे प्रश्न करोगे, कैसे जवाब दे दिया, उसके लिए जवाब देना है, उत्तर मिलता है या नहीं देखना, कब उत्तर मिलता है या नहीं, कितना उत्तर मिलता है या नहीं, कहां कहां से यदि उत्तर मिलता है तो इसका मतलब यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। रात के कोई 10 बजे होंगे, बस में यात्री घबरा गए, सारे के सारे यात्री 10 बजे रात को सुनसान बियाबान जंगल में, डरावने जंगल में गाड़ी रुक गई, सब घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, सबको शक हो गया कि शायद हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। तो बातें शुरू करना क्रिया हुई, कैसी बातें शुरू की, तरह तरह की, क्रिया विशेषण हुआ तरह तरह। किसी ने कहा यहां डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित मैं अकेला था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं कोई ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कैसे पीटने का हिसाब बनाया, पकड़कर। तो पकड़कर क्या होगा आप समझो, मैं नहीं बताऊंगा। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, लोगों ने उसे पकड़ लिया, वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कैसे देखने लगा, कातर ढंग से, कौन सा क्रिया विशेषण होगा मैं नहीं बताऊंगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, उन्होंने कहा। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहां, यानी डाकुओं के पास भेज दिया है। तो आज का इतना भाग है, और क्रिया विशेषण आधारित, यानी कि हंसी हंसी मैंने आपको क्रिया विशेषण समझाने का प्रयास किया है। इसको आप देखिएगा, समझिएगा, और पाठ में जो गृहकार्य दिया है 10 क्रिया विशेषण शब्द को छांटना है, उसके भेद लिखने हैं। कैसे छांटना है ये तरीका भी मैंने बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।